मेरे चैनल में। आज मैं आपको तीन ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाली हूँ जिनको फॉलो कर आप नॉनस्टिक तवे पर भी क्रिस्पी एंड राउंड टोस्ट बना सकते हैं। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो है बैटर की कंसिस्टेंसी। अगर बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी होगी तो डोसे भी बहुत अच्छे बनेंगे। अभी जो बैटर है वो काफ़ी थिक है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ सके। आप देख सकते हैं हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए डोसे बनाने के लिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है। स्टेप नंबर वन हमारा कंप्लीट होता है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो। चलिए अब स्टेप नंबर टू पर आते हैं। सेकंड स्टेप में हमें जो ध्यान देना है वो है डोसे के तवे का टेम्परेचर। टेम्परेचर ना ज्यादा हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए, नहीं तो डोसे कुछ इस तरह के बन जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप तवे को हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिए, उसके बाद फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और उसमें तीन बार इस तरह से पानी को छिड़क दीजिए। तीन बार में ही आपका जो डोसे के तवे का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद उसको कपड़े से पोंछ लीजिए। अब बैटर को हम तवे पे डाल देंगे। अब हमें याद रखना है कि हमें फ्लेम को हाई कर देना है। अगर हम लो फ्लेम में इस तरह से डोसे को फैलाएंगे तो जो डोसा है वो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होगा, उसमें कुछ ब्राउन करके बस स्पॉट्स आ जाएंगे। तो अगर आपको पूरा डोसा एक सा ब्राउन चाहिए है तो इसको आप हाई फ्लेम पर ही फैलाएं। ये अच्छे से फैल गया है तो अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आपको जितना ऑयल सही लगता है आप उसमें डाल सकते हैं। नॉनस्टिक तवा है तो चिपकने का कोई भी डर नहीं है। अब स्टेप नंबर थ्री जो है उसमें आपको करना क्या है, जो डोसा हमने बनाया था उसका जो एक्स्ट्रा लेयर इसमें आ गई है ऊपर से, उसको निकाल लीजिए। डोसा जो है वो तवे से बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और डोसा बिल्कुल बराबर से ब्राउन और कुरकुरा बनेगा। फ्लेम अभी भी हाई होगी, आप देख सकते हैं डोसा एक तरफ से पक गया था। अब दूसरे तरफ से करने के लिए मैंने डोसे के तवे को थोड़ा खिसका दिया था। अब ये चारों तरफ से बराबर से ब्राउन हो गया है, मतलब ये हो गया है। अब आप आराम से इस तरह से डोसे को निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं डोसा कितना ब्राउन और कितना क्रिस्पी बना है। इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। अब हम एक बार मसाला डाल के डोसा बनाते हैं। इस मसाले की रेसिपी देखने के लिए ऊपर दी हुई लिंक पे आप क्लिक करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक ऐड कर दूंगी। आपको ये मसाला डोसा कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।